राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खूब मज़े कर रही हूँ वृंदावन में। और देखिए, आज जो है ना, मैंने अलग तरीके से एक दीपकों का दान करने वाली हूँ, तो सोचा मैंने आप सबके साथ भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ भी जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। कार्तिक के महीने में कम से कम एक दिन इस तरह के दीपकों का आप दान ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखिए, सुबह का टाइम है, हमारे दीपक बनकर जो है ना तैयार हो गए हैं। हम सुबह और शाम दोनों टाइम जो है ना दीपकों को जल में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आटे के यहाँ पर मैंने छोटे छोटे दीपक बना दिए हैं, और घी में जो है ना डुबोकर हम दीप बातियों को डुबोकर दीपक जलाते हैं। अगर आपके पास घी पर्याप्त नहीं है ना, तो आप यहाँ पर तिली का भी यूज़ कर सकते हैं। तिली भी जो है ना कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और देखिए, पहुँच गए हम घाट पर। अगर आपके आसपास नदी नहीं है ना, तो आप जो है ना तालाब में भी इस तरह से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर तालाब भी नहीं है, अगर कुआँ भी है ना, तो कुआँ के घाट पर भी ना आप जो है ना इस तरह से दीपक जलाकर रख सकते हैं। और हाँ, इन दीपकों में मैंने क्या क्या डाला है, क्या विशेष चीज़ जो है ना डाली जाती है कार्तिक के महीने में, तो इन दीपकों में मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है, यानी चीनी डाली है, और थोड़े से इसमें डाली है काले तिल। अगर आपके पास काले तिल नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है ना सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने सिंघाड़े भी रख दिए हैं। आप चाहें तो सिंघाड़े के छोटे छोटे से टुकड़े करके ना इन दीपकों में आप रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सिंघाड़ा भी जो है ना कार्तिक के महीने में विशेष रहता है, इसीलिए सारी चीज़ें जो है ना हमने यहाँ पर दीपकों के साथ रख दी है, और साजे सिंघाड़े जो है ना हमने यहाँ पर रख दिए हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी दीपकों के अंदर इन्हें डाल सकते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा हो ना, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमारी सुविधा हमें इस तरह से लगी, इसीलिए जो है ना हमने यहाँ पर रख दिया। और हाँ, दीपकों में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। अगर आप किसी मतलब किसी भी बर्तनों में अगर दीपक रख रहे हैं ना, वहाँ एक का कलदार, मतलब एक का जो आता है ना कलदार आता है, कॉइन जिसे बोलते हैं, तो उसे डालना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी श्रद्धा के अनुसार 5 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डाला, मैंने आपके साथ शेयर किया। ये छोटे छोटे से शगुन होते हैं, जो कार्तिक के महीने में हमें दान पुण्य करने चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर नदी में अपने दीपकों को कर दिया है, देखिए इस तरह से प्रवाहित। और ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं, ग्रह हमारे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और मतलब बहुत छोटे छोटे फायदे तो देखिए अनगिनत हैं। कार्तिक के महीने में दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप दीप ज़रूर जलाएं। और मैंने आज इस तरह से दीप जलाया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। और देखिए, मेरा दीपक जो है ना सबसे आगे जाने वाला है, तो देखिए पहुँच गया। कॉम्पिटिशन जो है ना यहाँ पर लगता है कि किसका दीपक सबसे आगे जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा दीपक जो है ना सबसे आगे जा रहा है। इस तरह से देखिए, जो कागज़ के पुट्ठे होते हैं ना, इससे ना बहुत अच्छे से ना दीप प्रवाहित हो जाते हैं। तो ये अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो जो पत्तल आती है ना, उसमें भी आप दीपक प्रवाहित कर सकते हैं। दोने आते हैं आप उसमें भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लें जैसी आपकी सुविधा हो। हम आज है एकादशी, और एकादशी के दिन दे रहे हैं हम परिक्रमा। और आज है हमारा गोवर्धन में कौन सा दिन है, चौथा दिन है आज, फोर्थ डे। और ये हमारी तीसरी परिक्रमा है जो हम अभी फिर उसकी दे वृंदावन की दे रहे हैं। और पीछे पीछे देखो हमारी जीजी आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थक गई है बेचारी, लेकिन चल रही है परिक्रमा। उनकी आज तीसरी परिक्रमा है, क्या जी कौन सी परिक्रमा है, तीसरी परिक्रमा दी। देखिए आप 60 साल की उम्र में तीसरी परिक्रमा देने का दम इनके अंदर हमारे अंदर नहीं है। कहते हैं पुराने चावल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेले होते हैं, जो पुराने चावल हैं बहुत सेले होते हैं, इनमें शक्ति बहुत है। तो बस तीसरी परिक्रमा दे रहे हैं, और आगे देखते हैं कितनी परिक्रमा देने का सामर्थ्य हमारे अंदर। देखिए हमारी तीसरी पार्टी में लगी बातें करते करते ये पार्टी की। रास्ते में हमें दिख गए थे ये सिंहासन, तो छोटे वाले सिंहासन जो है ना यहाँ पर 50 रुपये के मिल रहे थे, और बड़े वाले सिंहासन जो है ना 100-150 के रेंज में थे। थोड़ा थोड़ा सा अंतर था सब में, लेकिन मुझे बहुत अच्छे और रीजनेबल लगे। तो एक सिंहासन जो है ना इसमें से मैंने भी ख़रीदा, रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, वेलवेट का इसमें कपड़ा लगा हुआ था, मुझे बहुत अच्छे लगे और रीजनेबल रेट के थे।
हम जा रहे हैं अंग्रेज मंदिर मास्क लगा के, क्योंकि यहाँ पे ना बिना मास्क के अलाउ नहीं हो, जी रहे हो बिना मास्क जा रही है, इन लोगों को भगाएगा जब मारेंगी, मास्क साथ में लेके नहीं आती ये। ये है इस्कॉन टेम्पल यानी अंग्रेज मंदिर है, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है और इस मंदिर में भी जाकर जो है ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, अच्छा लगता है मुझे बहुत। जब भी मैं वृंदावन आती हूँ इस मंदिर में मैं ज़रूर आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी। और देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए, ये है हमारी राधा कृष्णा जिन्हें देखकर जो है ना मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बस दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर बैठ गए हैं, और किसी भी मंदिर में जब आप जाओ ना तो 2-4 मिनट वहाँ ज़रूर बैठो, वैसे तो देखिए 5-10 मिनट बैठना चाहिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी है तो कम से कम 2-4 मिनट बैठ कर वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर गुजारना चाहिए। तो ये मंदिर भी जो है ना बहुत अच्छा है। और वृंदावन की एक ख़ास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ जो है ना हर जगह बस नृत्य ही नृत्य होता है, हाँ मतलब लोगों का मन करता है रास्ते में जो है ना लोग यहाँ पर डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। तो और ये इसके बाद जो है ना हम आ गए हैं प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर का खुलने का जो है ना टाइमिंग है तो ये 12 बजे के बाद ना बंद हो जाता है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हम लेट हो गए थे तो ये मंदिर जो है ना बंद हो चुका है। वैसे जो है ना इसको हम रात में भी देख चुके थे, तो सोच रही थी दिन में आपको अच्छे से दर्शन कराती लेकिन जो है ना बंद हो गया इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकती। तो दिन में जो है ना मंदिर इस तरह से दिखता है, रात का नज़ारा देखिए, इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था ना उसमें थोड़ा सा मैंने दिखा दिया था आप सभी को। तो दिन में जो है ना खूब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि एकदम व्हाइट कलर का मंदिर है, बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद जो है ना छोटी मोटी हमने शॉपिंग की, छोटे से राधा कृष्ण जी खरीदे थे ना मैंने आपको मूर्ति में दिखाए थे, मेरी ननंद ने खरीदे थे, बस उन्हीं मूर्तियों के लिए जो है ना हम यहाँ से कपड़े लेने वाले हैं यानी वस्त्र लेने वाले हैं, क्योंकि मूर्तियों को हमेशा अपने घर पर हमेशा सजा कर ले जाना चाहिए, एक शगुन रहता है। तो बस यहाँ पर मूर्तियों को हम बढ़िया से तैयार करवा रहे हैं, उनका साज सजा का जितना भी सामान है सारा यहीं से खरीदने वाले हैं, और बहुत प्यारे प्यारे आइटम जो है ना वृंदावन में मिलते हैं, जितनी बड़ी मूर्ति होती है ना उतना ही प्यारा आइटम जो है ना यहाँ पर मिल जाता है। यह राधा वल्लभ जी का मंदिर, वृंदावन का बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है ये भी। इस मंदिर में भी जो है ना आज विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की वाली जो भीड़ है ना वो यहाँ पर है, और कार्तिक का महीना चल रहा है तो बहुत सारे यात्री जो है ना आ रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ वाला माहौल जो है ना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी यानी हमारे जो राधा वल्लभ जी हैं वो यहाँ पर बहुत प्यारे और बहुत सुंदर सजे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे। आज है एकादशी, तो आज जो है ना हमारे आश्रम में मनाया जा रहा है तुलसी विवाह, तो देखिए उसी की जो है ना तैयारी यहाँ पर हुई है, रंगोली बनाई गई है, पूरा जो है ना फूलों से यहाँ पर पूरा सजाया हुआ है। तो तुलसी विवाह भी जो है ना छोटे रूप में मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, और बहुत बहुत प्यारा तरीके से जो है ना यहाँ पर तुलसी विवाह बनाया गया था, लेकिन बहुत अगर पूरी विस्तार से बताऊँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और देखने में थोड़ा सा बोरियत भरा लगता है। और यहाँ पर देखिए बारात आ चुकी है तो उसके स्वागत की जो है ना यहाँ पर तैयारी हो रही है, पंडित जी देखिए यहाँ पर रंग हल्दी से जो है ना चौक पूर रहे हैं। तो जिस तरह से जो है ना हमारे यहाँ शादी होती है उसी तरह से जो है ना तुलसी विवाह किया जाता है, और देखिए पंडित जी जो है ना यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके हैं, और हमारे सालिग्राम भगवान जी जो है ना बारात लेकर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना दरवाजे पर उनका टीका हो रहा है, जिस तरह से जो है ना दूल्हे का टीका किया जाता है ना उसी तरह से भगवान शालिग्राम की यहाँ पर टीका किया जाता है, उनका दूल्हे का जिस तरह स्वागत किया जाता है ना उसी तरह से जो है ना जो
नेक चलन दूल्हे के होते हैं वही नेक चलन जो है ना अपने घर के रीति रिवाजों के अनुसार जो है ना भगवान शालिग्राम के यहाँ पर किए जाते हैं। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम की मूर्ति नहीं है ना तो आप लड्डू गोपाल की भी जो है ना इस तरह से स्वागत कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना शालिग्राम भगवान की शादी हुई, बहुत प्यारा नज़ारा था, मैंने तो देखिए जीवन में पहली बार देखा है। वृंदावन में कई बार गई लेकिन जो है ना विवाह वाले उस समय मैं कभी नहीं गई थी। और यहाँ पर देखिए शादी हो रही है, यहाँ पर देखिए दो पार्टियाँ बैठी हुई हैं, एक भगवान शालिग्राम की तरफ से है और दूसरी पार्टी जो है ना मैया तुलसी वाली तुलसी की तरफ से है। मैं किस पार्टी में हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं बीच में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कन्यादान हो रहा है तुलसी मैया का, और इस तरह से देखिए तुलसी मैया का कन्यादान होता है, पैर पखारे जाते हैं। हमारे रीति रिवाजों के अनुसार जो है ना जब कन्या की शादी होती है तो उसके पैर पखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जो है ना यहाँ पर शादी की जाती है, जिनके यहाँ पर जिस प्रकार के रीति रिवाज हो। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन के पैर भी जो है ना हमारे यहाँ पखारे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने यहाँ पर तुलसी मैया के जो है ना पैर खा रहे, उन्हें सुहाग का सामान दिया और इसके बाद जो है ना धूम मची। देखिए क्या बढ़िया बढ़िया डांस किया सभी लोगों ने, जो है ना मगन होकर डांस किया। और वृंदावन की यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा भाती है, यहाँ सब लोग जो है ना मगन हो जाते हैं, रास में मगन रहते हैं और बहुत प्यारी भूमि है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए वो बच्चा गिर पड़ा। तो इस तरह से जो है ना खूब मस्ती की बच्चों ने, ये सभी बच्चे जो है ना आश्रम के हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं सभी, मतलब बहुत अपनापन सा लगता है इन सभी के साथ। तो देखिए कितना प्यारा प्यारा डांस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।